आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा पूरे एग्री पैक के लिए, जिस ढंग से हमने एक मोमेंटम बड़ा बनते हुए भी देखा बट कुछ फिज आउट भी होते हुए देखा। सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हमने कल के दिन ही काफ़ी शानदार रिकवरी देखी, प्राइजेस 7500 तक का भी लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। बट ओवरऑल पिछले हफ्ते में हमने देखा करीबन 2% की तेजी के साथ मार्केट 7300 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार लास्ट ईयर की जो क्रॉप है वो काफ़ी कम थी, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बीच में हमने देखा चाइना लॉकडाउन के चलते प्राइजेस के अंदर गिरावट भी थी और प्राइजेस 7000 तक का लेवल दिखा दिया। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी जैसे जैसे चाइना ओपन अप होगा, और साथ में क्रॉप साइज भी कम होने की वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इस बार भी पॉसिबल है कि कैस्टर के मुकाबले अदर क्रॉप्स काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से कैस्टर की सोइंग में थोड़ा कंसर्न हो सकता है, बट अभी तक का डेटा काफ़ी अर्ली है तो थोड़ा बोलना मुश्किल है। टेक्निकली 7200 के ऊपर काउंटर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है जो 7600 तक का लेवल दिखा सकता है, तो अगले हफ्ते के लिए कैस्टर काफ़ी शानदार रहेगा। 7200-7250 के करीब लेके चलिए, 7550-7600 का टारगेट रहेगा। मेंथा ऑयल के अंदर हमने 1% की गिरावट देखी है, जिस ढंग से मेंथा सिगरेट्स पर बैन लगी है कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल डिमांड में ट्रेंड आ सकता है, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक मिला जुला नेगेटिव असर ही था। इससे पहले हमने देखा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है जिसकी वजह से सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, बट अभी भी चाइना मार्केट लॉकडाउन में होने की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड मार्केट में पिकअप नहीं कर पा रही है। टेक्निकली वैसे देखा जाए तो 1070 काफ़ी क्रिशियल रोल है। अगर 1070 के ऊपर अगर प्राइजेस कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो कहीं ना कहीं एक तेजी का रुख कंटिन्यू रह सकता है। तो ओवरऑल हमें मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं कल 1070 के ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है अभी भी, तो प्राइजेस हो सकता है कि यहाँ से हम एक रैली देखें जो हायर साइड के अंदर वापस 1100 तक का लेवल दिखा दे, बट एज ऑफ नाउ 1070 से 1100 का रेंज बना हुआ है। कॉटन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने कॉटन के प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए देखी। इंटरनेशनल कॉटन भी 145 सेंट के ऊपर जा चुका है और डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्राइजेस ने कल 46,000 का लेवल छू चुका है। ओवरऑल पूरे हफ्ते के अंदर हमने 2-2.5% की तेजी देखी है। फंडामेंटल तो मजबूत है बट सोइंग को लेकर कुछ कंसर्न बने हुए, कुछ जगह अपडेट ये भी आ रहे हैं कि सोइंग चेंज हुई है और कुछ जगह पे सोइंग अच्छी भी हुई है, खास करके नॉर्थ में, जिसके चलते ओवरऑल डिमांड भी अच्छी है, प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट होने की वजह से कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। टेक्निकली 44,000 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है प्राइजेस 47,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो ये हफ्ते में हमने एक अच्छी खासी गिरावट प्राइजेस में आते हुए दिखी, बट 2800 का लेवल मेंटेन कर रहा है। टेक्निकली 2900 का लेवल छुआ जरूर बट सस्टेन नहीं कर पाया, डेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक प्राइजेस 2900-2920 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, टेक्निकली 2720 तक का सपोर्ट हम कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देख पाएंगे। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मिला जुला ट्रेड गवार कॉम्प्लेक्स में बनता हुआ दिखाई दिया, जहां गवार सीड में हमने देखा ना 6200 के नीचे जा पा रही है ना 6400 के ऊपर, यही दायरा अगले हफ्ते भर मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। स्विंग पिछड़ने की उम्मीद जरूर है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि यूएस में प्रोडक्शन और रिग काउंट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। वहीं गवार गम में भी ऐसा ही हाल रहेगा, 12300-12200 की रेंज में लिया जा सकता है, बट ध्यान रखिए तेजी के लिए 12650 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मसालों के अंदर जैसे उम्मीद थी कि फंडामेंटल तो लॉन्ग टर्म मजबूत है बट शॉर्ट टर्म में एक गिरावट देखने मिल सकती है, जिसके चलते हल्दी में हमने 5% की गिरावट, जीरा धनिया में भी हमने 2-2.5% की गिरावट बनते हुए देखी है। हल्दी के अंदर स्विंग पिकअप जरूर कर रही है बट देखना होगा मराठवाड़ा में इस बार हल्दी आगे रहेगी या कपास, ये हमें अगले एक हफ्ते में पता चल जाएगा। टेक्निकली 8400 तक का सपोर्ट हल्दी में आता हुआ दिखाई देगा, हायर साइड में 9000 के ऊपर ही मार्केट तेजी कर पाएगा। जीरे के अंदर भी 21500-6000 तक के सपोर्ट देखने मिल सकते हैं, अराइवल्स काफ़ी कम हो चुकी है बट डिमांड में भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कमी आई है क्योंकि रमजान और बाकी डिमांड निकल चुकी है, तो 21500-6000 तक का एक पुलबैक जीरे में मिले
वहां पे हमें लेके चलना है। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का ही है। कॉरिडोर की अगर बात करें तो प्राइजेस को साइकोलॉजिकल लेवल 12,000 का सपोर्ट जरूर है, बट 11,800 तक का एक पुलबैक अगर मिलता है उस पुलबैक पे ही लेना है। तो अगले हफ्ते में मसालों के अंदर पहले 2-3 दिन गिरावट रह सकती है, बट रेस्ट वापस मार्केट में एक बाइंग आते हुए दिखाई देगी। धन्यवाद।